हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में जो डिडक्शन हमने की है, वो की है बेटा 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EE, 80EB। यहाँ तक के बेटा हमने डिडक्शन के सेक्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा अपनी बैलेंस सेक्शंस करते हैं और फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा सेक्शन 80G की। ये बात करता है बेटा डोनेशन के रिगार्डिंग। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, सेक्शन 80G। असेसी अगर बेटा डोनेशन करता है सर्टेन फंड्स को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग, या लिमिटेशन जो स्पेसिफाई की गई है 80G में उनके अकॉर्डिंग, तो असेसी को डिडक्शन मिल जाया करती है अंडर सेक्शन 80G में। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जो एलिजिबल एसएससी है वो सारे एसएससी को इंक्लूड कर लिया गया है, यानी इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी है, कंपनी भी है, एलएलपी भी है, फॉर्म भी है, नॉन रेजिडेंट है, सबको इंक्लूड कर लिया गया है एलिजिबिलिटी में। ठीक है, ये सेक्शन सबसे डिफरेंट सेक्शन है, ध्यान देना बेटा। अभी तक आपने अभी तक क्या पढ़े थे? इंडिविजुअल और एचयूएफ हुआ करते थे एलिजिबल एसएससी, या मोस्टली केसेस में अभी तक इंडिविजुअल चल रहे थे, लेकिन 80G के केस में सारे एसएससी एलिजिबल एसएससी होते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शंस की। तो बेटा इसे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो डिडक्शन मिलती है एसएससी को वो चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है बेटा। नंबर वन कैटेगरी की बात करते हैं, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। देखिए लॉ क्या बात कर रहा है, डोनेशन क्वालिफाई फॉर 100% डिडक्शन, यानी डोनेशन जो एसएससी पे करेगा बेटा वो 100% जो है अलाउड हो जाएगी 80G में। ठीक है, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, इसका मतलब क्या है कि उस पर क्वालिफाइंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है समझिए बेटा, क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या होता है बेटा, एक सर्टेन परसेंटेज स्पेसिफाई करी गई है, ग्रॉस टोटल इनकम का वो सर्टेन परसेंटेज हो जाएगी इनकम, वो बन जाएगी क्वालिफाइंग लिमिट, यानी मैक्सिमम जो डिडक्शन की अमाउंट है वो क्वालिफाइंग लिमिट हो जाएगी इन केस ऑफ सेक्शन 80G। तो क्या होती है बेटा क्वालिफाइंग लिमिट समझिए, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कंप्यूट की जाती है, कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम। सबसे पहले स्टेप वन में हम एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज GTI एज रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग, यानी ग्रॉस टोटल इनकम जो होगी एसएससी की उसमें से रिड्यूस की जाएंगी फोर आइटम्स, कौन कौन सी, नंबर वन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G। ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा चैप्टर 6A की जो डिडक्शन है वो सारी रिड्यूस कर दी जाएंगी, लेकिन अगर 80G की कोई डिडक्शन है उसे रिड्यूस नहीं किया जाएगा। सेकंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के उन्हें रिड्यूस कर दिया जाएगा। थर्ड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एंड 112A, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं जिन पर टैक्स लग रहा है बेटा सेक्शन 112 और 112 कैपिटल ए में, उन्हें रिड्यूस कर दिया जाएगा। एनी इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल, यानी कोई इनकम जिस पे इनकम टैक्स पे नहीं किया जाता, यानी अदर डिडक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, उसे रिड्यूस कर दीजिए। बची क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम बच गई। स्टेप टू, कैलकुलेट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जो इनकम कंप्यूट होके आई उसका 10% कर दीजिए, ये बन जाती है हमारी क्वालिफाइंग लिमिट। जैसे बात करें एसएससी की, ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो है बेटा सपोज 10 लाख। ठीक है, एसएससी ने जो 80C में डिडक्शन ले रखी है वो ले रखी है बेटा 1,50,000। ठीक है, 80D की उसकी डिडक्शन प्रोवाइड की गई है वो करा रखी है बेटा 20,000। ठीक है, ऐसे ही 80CE में डिडक्शन उसकी प्रोवाइड की हुई है, वो की हुई है बेटा 40,000। ठीक है, ये रिडक्शन उसे प्रोवाइड करा रखी है। साथ ही एसएससी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में बेटा टैक्सेबल हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, वो है बेटा 1 लाख। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रोवाइड किए गए हैं एसएससी के जो 112 में टैक्सेबल हैं वो हैं 2 लाख। ठीक है बेटा,
तो ये डिटेल प्रोवाइड कराई गई है इस केस में। अब हमें निकालनी है बेटा क्वालिफाइंग लिमिट। तो समझिए लॉ क्या बात करता है। लॉ बात करता है सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम लीजिए एसएससी की, उसमें से रिड्यूस कर दीजिए। क्या रिड्यूस कर दीजिए? चैप्टर 6 ए की जितनी भी डिडक्शन है सारी की सारी रिड्यूस कर दीजिए, अदर देन 80G की रिडक्शन छोड़ के। चैप्टर 6 ए की रिडक्शन 80C, D, EE दोनों इंक्लूड है बेटा। ये कितना हो गया? 170 + 42,10,000 हो गया बेटा ये। सेकंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में टैक्सेबल है उस इनकम को रिड्यूस कर दीजिए। चलिए ये भी हमने इनकम रिड्यूस कर दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 में या 112A में टैक्सेबल है उस इनकम को भी रिड्यूस कर दीजिए बेटा। 200,000 भी हमने रिड्यूस कर दिए। टोटल कितना रिडक्शन हो गया बेटा? 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5,10,000, तो 4,90,000। ये क्या हो गई बेटा? एडजस्टेड टोटल इनकम हो गई बेटा ये, एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, क्वालिफाइंग लिमिट क्या होगी? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ये क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट हो गई। कितनी हो गई बेटा? 4,90,000 का 10% करिए, 49,000 हो गया बेटा। ठीक है, समझ आ गया। सेक्शन ने बेटा चार कैटेगरी बनाई है डिडक्शन की। दो कैटेगरी ऐसी है जहां पर क्वालिफाइंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, और दो कैटेगरी ऐसी है जहां पर क्वालिफाइंग लिमिट एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब कंसेप्ट को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। आते हैं नंबर वन कैटेगरी पर। देखिए नंबर वन कैटेगरी क्या थी बेटा? डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, यानी वो डोनेशन जिनकी डिडक्शन मिल जाएगी 100%, जितनी भी एसएससी ने डोनेशन कर रखी है इन हेड्स में उसकी 100% डिडक्शन उसे मिलेगी। साथ ही कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट उन डिडक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे मैं बात करूँ बेटा एक एग्जाम्पल की, हमारे केस में एसएससी ने सपोज 80G में 20,000 रुपीज़ बेटा डोनेट किए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। तो लो यहाँ पर बात करता है, ये जो 20,000 है इसकी पूरी अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी एसएससी को। साथ ही ये जो 49,000 वाली क्वालिफाइंग लिमिट है ये हमें चेक नहीं करनी है इस केस में। उन केसेस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए बेटा कौन कौन सी ऐसी अमाउंट है जहाँ पर 100% डोनेशन मिला करती है एसएससी को? नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस। ये सारे जो बेटा आइटम्स हैं इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ना कि 100% वाली लिमिट कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। अब देखिए कैटेगरी सेकेंड क्या बात करती है? कैटेगरी बात करती है कि वो डोनेशंस जिनकी डिडक्शन 50% मिलेगी और उन पर कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, वो कौन सी है बेटा? चार तरीके की बुक्स में स्पेसिफाई की गई है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक है, ये चार आइटम है बेटा, इन्हें ध्यान रखना। इसमें जो डोनेशन मिलती है एसएससी को 50% मिलती है, यानी प्रीवियस जो एग्जाम्पल हमने किया था वहाँ पर एसएससी ने 20,000 की बेटा डोनेशन दी थी। अगर वो 20,000 की डोनेशन इन केस जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में देता तो यहाँ पर जो उसे डिडक्शन मिलती है टीजी में वो कितनी मिलती? मात्र 10,000 की मिलती, 20,000 की नहीं मिलती। ये ऐसी कंडीशन की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। आप देखिए 100% डिडक्शन तो मिल जाएगी डोनेशन की, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट वहां पर लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? समझिए बेटा इसका मतलब क्या हुआ। आइए बेटा जो हमने एग्जांपल लिया था उसकी बात करते हैं। सपोज इस केस में जो एसएससी बेटा डोनेशन दे रहा है 80G में, वो दे रहा है सपोज बेटा 40,000 की। ठीक है, तो लॉ क्या बात करता है? लॉ बात करता है 100% डिडक्शन मिल जाएगी डोनेशन की, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो अब हम देखेंगे कि क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है। क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है हमारे इस केस में? हमारे एग्जांपल में 49,000, यानी मैक्सिमम जो डोनेशन दे सकता है एसएससी 49,000 तक दे सकता है। क्वालिफाइंग लिमिट चेक करने का मतलब ये है एसएससी कितना डोनेट कर रहा है,
40,000 को डोनेट कर रहा है बेटा, 40,000 बेटा 100% क्वालिफाई करते हैं डोनेशन के लिए, ठीक है। तो इस केस में 40,000 की 40,000 डोनेशन मिल जाएगी, समझ गए। नेक्स्ट जो बेटा डोनेशन आती है वो आती है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब देखिए बेटा इस केस में इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो असेसी है उसने 80G में 40,000 की डोनेशन ऑलरेडी दे रखी है जो 100% क्वालिफाई करती है बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। साथ ही असेसी एक और डोनेशन देता है 80G में और वो देता है बेटा 10,000 की, ठीक है। तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है असेसी की? क्वालिफाइंग लिमिट है बेटा 49,000 की, जिसमें से ऑलरेडी 40,000 की डिडक्शन उसे मिल चुकी है। माइनस 40,000 करिए, कितना बचा बैलेंस? बैलेंस बचा 9,000, ठीक है बेटा। तो इस केस में ये जो 9,000 है बेटा इसका 50% किया जाएगा। 9,000 का 50% कितना होता है? 4,500। तो असेसी ने भले ही डोनेशन 10,000 की दी हो लेकिन 4,500 की उसे डिडक्शन मिलेगी अगर वो कैटेगरी नंबर 4 में फॉल करता है। कैटेगरी नंबर 4 कौन सी है? डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। समझ आ गया बेटा, ये जो 50% वाली डिडक्शन होती है और जिन पर क्वालिफाइंग लिमिट भी एप्लीकेबल होती है उन्हें कैसे कंप्यूट किया जाता है। जहां पर भी क्वालिफाइंग लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी उसका मतलब हो जाएगा कि असेसी जो मैक्सिमम डोनेशन दे सकता है वो क्वालिफाइंग लिमिट तक दे सकता है। फिर हम देखेंगे कि वो डोनेशन 100% क्वालिफाई करती है या 50%। अगर 100% क्वालिफाई करती है डोनेशन तो बेटा 100% दे दी जाएगी, लेकिन चेक किया जाएगा कि क्वालिफाइंग लिमिट को एक्सीड कर रही है या नहीं। इनकेस एक्सीड नहीं करती तो 100% मिल जाएगी, इनकेस एक्सीड करती है तो जितनी क्वालिफाइंग लिमिट होगी बेटा वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। दूसरी तरफ 50% वाली हम चेक करेंगे, 50% वाली में देखेंगे कि क्वालिफाइंग लिमिट को एक्सीड कर रही है या नहीं। अगर एक्सीड कर रही है तो क्वालिफाइंग लिमिट का बेटा 50% और एक्सीड नहीं करती तो जितनी भी डोनेशन है उसका 50% कर देंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वेयर एन एसएससी हैज क्लेम्ड एंड हैज बीन अलाउड एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन सेम अमाउंट विल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। देखिए लॉ क्या बात कर रहा है कि अगर एसएससी ने कोई भी डिडक्शन क्लेम कर लिया है 80G में तो बेटा उसे फिर इनकम टैक्स के किसी भी प्रोविजन में उस अमाउंट के रेस्पेक्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी डबल डिडक्शन नहीं दे रहे। सेकेंड, डोनेशन इन काइंड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। नेक्स्ट, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ एनी सम एक्सीडिंग 2,000 अनलेस सच सम इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। डोनेशन की जो अमाउंट है वो अप टू 2,000 तक बेटा कैश में पे की जा सकती है, 2,000 से ज़्यादा एक्सीड करते ही अमाउंट को अदर देन कैश में पे करना पड़ेगा, अदरवाइज 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कैन बी क्लेम्ड वेदर इट हैज एनी नेक्सेस विद द बिजनेस ऑफ द असेसी और नॉट। जो डिडक्शन मिल रही है 80G में असेसी को वो असेसी क्लेम कर सकता है भले ही उस डिडक्शन का असेसी के बिजनेस से कोई कनेक्शन हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा सर्कुलर की। सर्कुलर नंबर 2/2005 डेटेड 12 January 2005। सर्कुलर बात करता है कि इनकेस जो एम्प्लॉयज हैं वो डोनेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उस केस में ये जो फंड्स है बेटा उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो हर एम्प्लॉय को अलग अलग सर्टिफिकेट इशू करें इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस, ठीक है। तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि अगर उनका एम्प्लॉयर या DDO ऑफिसर, DDO ऑफिसर क्या होता है बेटा? ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है एक, वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि एसएससी ने इन फंड्स में जो है स्पेसिफाइड अमाउंट जो है डोनेट की है, तो वो बेटा सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही एम्प्लॉय को 80G की डोनेशन मिल जाएगी। सर्कुलर ये बात करता है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा सेक्शन 80GG की। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड सेक्शन 80GG। HRA हमने पढ़ा था बेटा सैलरी में, जिस पर्सन के पास रहने के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होती अगर वो रेंटेड अकोमोडेशन पे रहता है तो उसका एम्प्लॉयर जो है बेसिकली उसे एक अलाउंस प्रोवाइड करा दिया करता था जिसे बोलते थे हम हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर जो सेक्शन बात करता है वो ये बात करता है कि इनकेस एक असेसी जो HRA रिसीव नहीं करता हो अपने एम्प्लॉयर से सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 कैपिटल ए वाला, लेकिन असेसी जो है एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है
तो उस केस में वो जो रेंट पे कर रहा है एसएससी, उसकी डिडक्शन दे दी गई है बेटा 80GG में, ठीक है। कंडीशंस क्या है, कंडीशन समझ लीजिए। नंबर वन, एसएससी जो है बेटा एचआरए रिसीव ना करता हो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 कैपिटल ए का। दूसरी कंडीशन, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है रेंट पर एसएससी या किसी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन पर, वो बेटा उसकी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस जितनी भी चैप्टर 6 ए की डिडक्शन है 80GG को छोड़कर, उसका 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो अकोमोडेशन ऑक्यूपाई किया है एसएससी ने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रेजिडेंस के लिए यानी ऑन रेजिडेंस पर्पस के लिए ही यूज़ होना चाहिए। नंबर फोर कंडीशन, एसएससी जो है बेटा वो फुलफिल करे अदर कंडीशन या लिमिटेशन जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, एरिया या प्लेस को ध्यान में रखते हुए, बेसिकली वो रूल्स में प्रिस्क्राइब की गई है बेटा। यानी लॉ बात करता है कि जब 80GG की डिडक्शन लेनी है एसएससी को, तो रूल्स में कुछ कंडीशन बता रखी है एरिया वाइज या प्लेस वाइज, वो भी एसएससी को फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन बात करती है कि एसएससी या उसकी स्पाउस या उसका माइनर चाइल्ड या इनकेस एसएससी मेंबर है एचयूएफ का, तो इनके पास बेटा अपना रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। और ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कहाँ पर नहीं होना चाहिए, एट द प्लेस where the assessee perform his official duties or employment or carries on his business or profession. Next, if the assessee owns any accommodation at any place other than that referred to above, such accommodation should not be in the occupation of the assessee and its annual value is not required to be determined under section 23(2)(a) or section 23(4)(a). ये point बात करता है बेटा कि एसएससी के पास अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए एनी अदर प्लेस, यानी जिस प्लेस पर वो या तो एम्प्लॉय नहीं है या अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहा, उस प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी प्लेस पर भी उसके पास बेटा अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, और उस अकोमोडेशन की जो एनुअल वैल्यू है वो डिटरमिन नहीं होनी चाहिए सेक्शन 23(2)(a) और सेक्शन 23(4)(a). सेक्शन 23(2)(a) में जो एनुअल वैल्यू डिटरमाइन होती है बेटा वो अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की होती है, और सेक्शन 23(4)(a) में जो एनुअल वैल्यू डिटरमाइन होती है वो लेट आउट प्रॉपर्टी की होती है। पॉइंट 6 का जो बेटा क्रक्स है वो ये कहना चाहते हैं कि एसएससी के पास अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए एट एनी अदर प्लेस, किसी भी दूसरी प्लेस पर भी उसके पास अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ने बोला था कि जहां पर एसएससी एम्प्लॉय है या एचयूएफ का मेंबर है या अपना काम कर रहा है, वहां पर तो नहीं होना चाहिए अकोमोडेशन। सिक्स पॉइंट बोलता है कि अदर प्लेस पर भी नहीं होना चाहिए। दोनों पॉइंट्स का कुल मिला के क्या बना कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एसएससी के पास नहीं होनी चाहिए, बार बार यही बात की जा रही है। नेक्स्ट, एसएससी शुड फाइल अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कन्फर्मिंग द डिटेल्स ऑफ रेंट पेड एंड फुलफिल अदर कंडीशन विद द रिटर्न ऑफ इनकम। एसएससी जो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा बेटा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और वहां पर रेंट जो जितना पे करता है उसकी डिटेल बेटा वो बताएगा उसमें, और जो अदर कंडीशन होगी उन्हें फुलफिल करेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन देखिए कितनी मिलेगी सेक्शन 80GG के अकॉर्डिंग। डिडक्शन एडमिशेबल विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में जो लीस्ट होगा वो एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी बिफोर अलाउिंग द डिडक्शन, यानी जो एक्चुअल रेंट पे कर रहा है एसएससी माइनस कर दीजिए 10% ऑफ द टोटल इनकम। नेक्स्ट, 25% ऑफ सच टोटल इनकम अराइव्ड एट आफ्टर मेकिंग ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए बट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 बात करता है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी एसएससी की उसमें से चैप्टर 6 ए की जितनी भी डिडक्शंस हैं उन्हें रिड्यूस कर दीजिए, बट 80GG वाली रिड्यूस मत करिए, जो अमाउंट आएगी उसका 25% कंप्यूट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट उस वैल्यू के बारे में बात करता है। थर्ड, अमाउंट कैलकुलेटेड एट 5,000 rupees पर मंथ, तीनों में जो लीस्ट होगी उतनी अमाउंट की बेटा डिडक्शन मिल जाएगी एसएससी को, लेकिन कंडीशन क्या बताई 80GG में, एसएससी के पास बेटा अपना रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहना चाहिए तभी उसे 80GG की मिलेगी डिडक्शन। साथ ही एचआरए जो है वो भी रिसीव ना कर रहा हो अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मिस्टर गणेश अ बिजनेसमैन हुज टोटल इनकम बिफोर अलाउिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज 4,60,000, पेड हाउस रेंट एट ₹12,000 पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाई हिम एट मुंबई
कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल टू हिम अंडर सेक्शन 80GG फॉर असेसमेंट ईयर 2021। मिस्टर गणेश एक बिजनेसमैन है जिसकी टोटल इनकम कितनी है बेटा, 4,60,000 है, और इस टोटल इनकम में से 80GG की डिडक्शन रिड्यूस नहीं की गई है। हाउस रेंट वो पे कर रहे हैं 12,000 पर मंथ का अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। तो मिस्टर गणेश की डिडक्शन कंप्यूट करिए अंडर सेक्शन 80GG। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड, तीन तरह की हमने कंडीशन पढ़ी थी। नंबर वन क्या थी बेटा, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहा है एसएससी, 12,000 पर मंथ। एनुअल रेंट कितना हो गया, 1,44,000 माइनस 10% ऑफ 4,60,000, ये कितना आ गया बेटा, 98,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या बात करती थी, 25% ऑफ टोटल इनकम, जिसमें से चैप्टर 6 से की डिडक्शन तो रिड्यूस कर दी गई हो लेकिन 80GG की डिडक्शन रिड्यूस ना की हो। ठीक है, तो इस केस में बेटा हम 4,60,000 को ही मानेंगे क्योंकि अदर डिडक्शन की डिटेल नहीं दी हुई। 25% करिए 4,60,000 का, कितना आएगा, ये आया बेटा 1,15,000। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अमाउंट कैलकुलेटेड एट रुपीज़ 5,000 पर मंथ, यानी 60,000 एनुअल अमाउंट हो गई। इन तीनों में जो कम है वो क्या होगी, डिडक्शन मिल जाएगी 98,000। दूसरा आया बेटा हमारा 1,15,000 और तीसरा आया हमारा 60,000, तो डिडक्शन असेसी को कितनी मिलेगी बेटा, 60,000 की मिलेगी। नेक्स्ट जो डिडक्शन है बेटा वो है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्शन 80GA। याद करिए बेटा सेक्शन 35 हमने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग, वहाँ पर जो डिडक्शन मिला करती थी बेटा, वहाँ पर डिडक्शन मिला करती थी एक बिजनेसमैन को, यानी उस पर्सन को जिसकी इनकम जो है अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल हो रही है या चार्जेबल हो रही है। ये जो डिडक्शन है बेटा, ये डिडक्शन मिलती है उन असेसीज को जिनकी इनकम PGBP में चार्जेबल नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें डिडक्शन का लॉजिक समझ आ गया। चलिए अब डिडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एलिजिबल असेसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनी पर्सन नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP हु मेक्स डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, वो असेसी जिसकी इनकम चार्जेबल नहीं है PGBP में, वो एलिजिबल असेसी होता है बेटा सेक्शन 80GA के लिए। डोनेशंस क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, कौन सी ऐसी डोनेशंस है बेटा जो क्वालिफाई करती हैं डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80GA। एनी सम पेड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर टू अ रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और अ यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। एक रिसर्च एसोसिएशन है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है जिसके ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, साइंटिफिक रिसर्च करना जिसके ऑब्जेक्ट है, उस एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को असेसी डोनेशन दे रहा है तो 80GGA में उसे डिडक्शन मिल जाएगी। साथ ही सेक्शन बात करता है कि वो एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन अप्रूव होना चाहिए अंडर सेक्शन 35(1)(ii) में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एनी सम पेड टू अ रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टेटिस्टिकल रिसर्च, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टेटिस्टिकल रिसर्च। यानी बेटा वो एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो क्या कर रहा है, सोशल साइंस या स्टेटिस्टिकल रिसर्च कर रहा है, उस इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को असेसी अगर डोनेशन दे रहा है तो वो डोनेशन जो है उसकी 80GA में डिडक्शन मिल जाएगी असेसी को। सच एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35(1)(iii). वो जो एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव होना चाहिए अंडर सेक्शन 31(iii) में। देखिए बेटा सिमिलर प्रोविजन है जो हमने साइंटिफिक रिसर्च पढ़ते समय किया था, वो ही प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। बट फर्क इतना था, वहाँ अगर कोई बिजनेसमैन है यानी वो पर्सन जिसकी PGBP में इनकम टैक्सेबल हो रही है उसे रिडक्शन मिला करती थी सेक्शन 35 में, और यहाँ अदर देन PGBP वाले जो असेसीज हैं उन्हें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80GA में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बात करता है बेटा कि इस असेसी ने डोनेशन दे दी है किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को, और डोनेशन देने के बाद उस यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की बेटा अप्रूवल जो है वो विड्रॉ कर ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो लॉ यहाँ पर एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है उस डोनर को कि इस डोनर की GA में डिडक्शन मिल जाएगी भले ही डोनेशन के बाद उस इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की अप्रूवल जो है विड्रॉ कर ली गई है।
ठीक है बेटा, सेम प्रोविजन हमने सेक्शन 35 में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, एनी सम पेड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर टू एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन विच हैज एज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक डिडक्शन मिल जाया करती थी सेक्शन 35 CCA में, उसी से मिलती जुलती एक डिडक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। सेक्शन बात करता है कि एक असेसी एक डोनेशन दे रहा है कैसे इंस्टीट्यूशन को या एसोसिएशन को, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें कैरिड आउट करना, तो उस केस में असेसी को EGA में डिडक्शन मिल जाएगी। ध्यान रहे, वो जो असेसी है जो डोनेशन दे रहा है उसे की इनकम जो है बेटा PGBP हेड में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन डिफाइन कर रहा है, इट इज हाउएवर एसेंशियल दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द एफोरसेड डोनेशंस एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन टू विच द डोनेशन इज गिवन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। सेक्शन बात करता है कि जिस इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को बेटा डोनेशन दी गई है वो इंस्टीट्यूशन या डोनेशन अप्रूव्ड होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से। अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दी गई है तो इंस्टीट्यूशन अप्रूव होना चाहिए बेटा 35(1)(2) में, और अगर बेटा डोनेशन दी जा रही है फॉर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो उस केस में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो होगी अंडर सेक्शन 35CCA सबसेक्शन 2 या 2A में उस एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, एनी सम पेड टू अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और लोकल अथॉरिटी और टू एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द नेशनल कमेटी फॉर कैरिंग आउट एन एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम। अब देखिए बेटा, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है या लोकल अथॉरिटी है या कोई इंस्टीट्यूशन है एसोसिएशन है जो नेशनल कमेटी ने बेटा अप्रूव किया है एलिजिबल प्रोजेक्ट कैरी करने के लिए, उसे असेसी डोनेशन दे रहा है तो वो डोनेशन जो है उसकी 80GA में डिडक्शन मिल जाएगी असेसी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बात करता है, एनी सम पेड टू रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35CCA। सिंपल बात करता है बेटा कि जिस रूरल डेवलपमेंट फंड को असेसी डोनेशन दे रहा है वो रूरल डेवलपमेंट फंड जो है बेटा वो सेटअप और नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सेक्शन 35CCA में। सिक्स पॉइंट, एनी सम पेड बाय असेसी इन द प्रीवियस ईयर टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी एडुकेशन फंड। ये पॉइंट बात करता है बेटा कि असेसी को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80GA में अगर वो डोनेट करता है किसे, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, NUPEF भी हम इसे बोल दिया करते हैं। क्रक्स क्या है बेटा, क्रक्स ये है प्रोविजन के, समझिए कि एक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कॉलेज या एसोसिएशन अगर 35(1)(2) या 35(1)(3) के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड है और एक असेसी जिसकी इनकम PGBP में टैक्सेबल नहीं होती वो डोनेशन दे रहा है उन्हें साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो उस असेसी को बेटा डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरी, अगर एक असेसी डोनेशन देता है बेटा एक ऐसे एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को जो बेटा 35CCA के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, 35CCA के अकॉर्डिंग वो नोटिफाइड या अप्रूव्ड है, उस केस में भी असेसी को बेटा डिडक्शन मिल जाएगी जितनी भी अमाउंट की वो डोनेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। देखिए रेस्ट्रिक्शन क्या बात करती है, पहली रेस्ट्रिक्शन बात करती है कि जो असेसी है उसकी इनकम बेटा PGBP में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। सिंपल, ये तो हमने पहले भी बात की थी। नेक्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो बात करती है कि इन केस असेसी ने डिडक्शन ले ली है इस सेक्शन में तो उस अमाउंट के रिगार्डिंग वो फिर इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर भी डिडक्शन नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि असेसी जो डोनेशन दे रहा है वो अप टू 10,000 तक कैश में दे सकता है, लेकिन अगर एक्सीड करती है अमाउंट 10,000 से तो उसे अदर देन कैश मोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए बेटा, कंपनीज जो है कंट्रीब्यूशन कर रही है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी। याद करिए बेटा PGBP चैप्टर सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B, वहां पर बेटा ये सेक्शन हमने पढ़ा था कि अगर कंट्रीब्यूट करती है कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को तो उस केस में जो एक्सपेंडिचर वो क्लेम करना चाहती है वहां पर डिसअलाउ हो जाएगा। बेसिकली जिन एक्सपेंसेस को सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B ने डिसअलाउ किया था उन्हीं एक्सपेंडिचर को यहाँ पर डिडक्शन के थ्रू अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आ सकता है वो ये आ सकता है कि सर बार बार आप PGBP पढ़ाते हो, हम पढ़ रहे हैं डिडक्शन लेकिन आप हमें PGBP याद करा रहे हो। तो बेटा ये जो मैं लिंक कराता हूँ ये आपके बेनिफिट के लिए ही कराता हूँ। देखिए अभी आप डिडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और डिडक्शन चैप्टर पढ़ते पढ़ते एक कंसेप्ट तो बेटा यहीं पर आपका प्रिपेयर हो जाएगा और दूसरा कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो रिवाइज हो जाएगा, साथ ही आप लिंक कर लेंगे उस कंसेप्ट को, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बेटा लिंकेज बहुत ज़रूरी है।
किसी भी आप लॉ की बात करिए वहाँ पे लिंक करना कंसेप्ट का बहुत मैंडेटरी होता है, अदरवाइज अगर आप लिंक नहीं कर पाते तो बेटा एग्ज़ाम में जो कंसेप्ट है आप भूल जाते हैं। इसलिए लिंक करने से क्या होता है, चीज़ें रिटेन करती हैं। आपको पीजीबीपी के सेक्शन 35 भी ध्यान आ गया और उससे मिलती जुलती डिडक्शन जो है सेक्शन 35 डबल जी ए में वो भी याद आ गई। सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 कैपिटल बी जो डिसअलाउ किया करता था एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग, उनकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80 डबल जी बी में, ये आपको याद आ गया। तो ऐसे लिंकेज करने से प्रोविजन बहुत ही बेटा इजी हो जाते हैं। चलिए डिडक्शन एंड कंडीशन। दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय एन इंडियन कंपनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्ट्रल ट्रस्ट। हाउएवर नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। समझ आया बेटा क्या बात करता है प्रोविजन, कि ये सेक्शन डिडक्शन प्रोवाइड कराता है एक इंडियन कंपनी को, कि जो इंडियन कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है बेटा, सिंपल पॉलिटिकल पार्टीज बेटा ट्रस्ट बनाती हैं ये कंट्रीब्यूशन या डोनेशन रिसीव करने के लिए। वैसे ये फाइनल का पार्ट है लेकिन आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, ये भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्रक्स में समझें, एक इंडियन कंपनी जो है अगर कंट्रीब्यूट करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसकी उसे बेटा डिडक्शन मिल जाया करती है अंडर सेक्शन 80 डबल जी बी में, लेकिन ये जो डोनेशन वो दे रही है या कंट्रीब्यूशन ये दे रही है उसे कैश के अलावा देना होगा। अगर कैश में देती है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, तो कंट्रीब्यूशन को बेटा दो तरीके से समझिए। नंबर वन, इंडियन कंपनी कोई डोनेशन दे रही है या सब्सक्रिप्शन ले रही है या पेमेंट कर रही है किसी ऐसी एक्टिविटी में जिससे पब्लिक सपोर्ट मिलेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये क्या ट्रीट किया जाएगा बेटा, ये माना जाएगा कि ये कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस। नेक्स्ट, इंडियन कंपनी क्या करती है बेटा, कोई एक्सपेंडिचर करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी पब्लिकेशन, तो उस केस में ये जो वो एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन ट्रीट किया जाएगा। जैसे बात करें सोविनियर या ब्रोशर या ट्रैक्ट या पैम्फलेट या इससे मिलता जुलता, तो ये भी बेटा कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के बेटा दो तरीके हुए। पहला हो गया कि अगर डोनेशन देती है कंपनी या सब्सक्रिप्शन या कोई पेमेंट दे रही है जिससे क्या होगा पब्लिक सपोर्ट मिलेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर करती है इंडियन कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एडवर्टीजमेंट पे, जैसे उसने सोविनियर प्रिंट कराई या ब्रोशर या पंफलेट छपवा दिए उस पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये भी क्या है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, सिंपल सेक्शन 29 कैपिटल ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है वो ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। बेसिकली ये वो एक्ट है जिसमें बेटा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड की जाती है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी कंट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ रुपीज 2 लाख टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 25,000 ऑन एडवर्टीजमेंट इन ए ब्रोशर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। Is the company eligible for deduction in respect of such contribution or expenditure, assuming that the contribution was made by check? If so, what is the quantum of deduction? Section 80 double GB पढ़ते समय बेटा हमने पढ़ा कि अगर कोई इंडियन कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देती है तो उस केस में उसे डिडक्शन मिल जाएगी। वहां पर हमने कोई क्वांटम ऑफ डिडक्शन नहीं पढ़ी। 100% जितनी अमाउंट वो एक्सपेंड करती है कंपनी वो सारी की सारी मिल जाया करती है, लेकिन एक कंडीशन वहां पर हुआ करती थी कि अदर देन कैश मोड में ये पेमेंट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि एक इंडियन कंपनी ने 2,25,000 की बेटा कंट्रीब्यूशन की है एक पॉलिटिकल पार्टी को, क्या इसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज यस, डिडक्शन मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? अंडर सेक्शन 80 जीजीबी में ये डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट अब बात करते हैं डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए 80 डबल जी बी बेटा किसके लिए था? वो था इंडियन कंपनी के लिए। ये सेक्शन किसके लिए है? ये सेक्शन बेटा है असेसी अदर देन कंपनीज। लेकिन 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 यहाँ पर बेटा कुछ असेसीज को और हटा दिया गया है, बाहर कर दिया गया है सेक्शन से, जैसे लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दोनों पर्सन को भी बेटा ये सेक्शन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बेसिकली अगर लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बेटा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उन्हें कोई भी डिडक्शन नहीं प्रोवाइड कराई जाती। ठीक है, कंपनी को मिल जाती है अंडर सेक्शन 80 जीजीबी में, और अदर देन कंपनीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटीज़
उन्हें मिल जाती है बेटा 80GGC में। सेम कंडीशन है बेटा, सेम प्रोविजन है, सिर्फ इस सेक्शन में इतना समझना था कि ये डिडक्शन किस असेसी को मिलती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारी फर्स्ट टाइप की जो कैटेगरी थी डिडक्शंस की वो कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड टाइप की कैटेगरी जो है डिडक्शन के रिगार्डिंग वो स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, यानी असेसी को बेटा अब इनकम हो रही है, उस इनकम के रिगार्डिंग वो डिडक्शन ले रहा है। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर सेक्शन JJAA JJAA, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। देखिए क्या बात करता है सेक्शन, सेक्शन डिडक्शन प्रोवाइड करा रहा है न्यू एम्प्लॉयज की रिगार्डिंग क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन। समझते हैं बेटा, वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव फ्रॉम बिजनेस, अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर वुड बी अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। देखिए क्या बात करता है सेक्शन, सेक्शन बात करता है कि एक असेसी जिसकी इनकम बेटा पीजीबीपी में चार्जेबल होती हो, यानी बिजनेसमैन, और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैंडेटरीली ऑडिट होता हो। सेक्शन 44AB जो बात करता है बेटा वो बात करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होने की, ठीक है। तो उस असेसी को बेटा डिडक्शन मिल जाएगी 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, और ये डिडक्शन जो मिलेगी वो 3 असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी। 30% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयर ने एडिशनल एम्प्लॉय बेटा रिक्रूट किए हैं उनकी जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी उसकी 30% की डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉयर को, ठीक है। इतना समझ आ गया, दूसरे शब्दों में समझे अगर बेटा तो सेक्शन बताना चाहता है कि अगर एक एम्प्लॉयर जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होता हो एडिशनल एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है तो उन एडिशनल एम्प्लॉय की जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 30% जो है उसे डिडक्शन मिल जाएगी 3 सालों के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय का क्या मीनिंग है या एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मीनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एडिशनल एम्प्लॉय, यानी कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्हें एडिशनल कंसिडर किया जाएगा। एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो एडिशनल एम्प्लॉय बेटा वो एम्प्लॉय हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉयर के वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होंगे ये हम कैसे मेजर करेंगे, हम प्रीसीडिंग ईयर के एम्प्लॉयज देखेंगे कितने हैं, अगर उससे हमारी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये एडिशनल एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। एक्सक्लूजन फ्रॉम डेफिनेशन, यानी एडिशनल एम्प्लॉय किन एम्प्लॉय को कंसिडर नहीं किया जाएगा। नंबर वन, एन एम्प्लॉयज हु टोटल इमोलमेंट्स आर मोर देन 25,000, वो एम्प्लॉय जिसके टोटल इमोलमेंट्स 25,000 से ज़्यादा हैं, और ये 25,000 कैसे देखने बेटा, पर मंथ चेक करने हैं। इमोलमेंट्स का मतलब क्या होता है सर, वो अभी समझते हैं बेटा। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय फॉर होम द एंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट, वो एम्प्लॉय जिसका एंटायर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे कर रही है बेटा किसी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन एम्प्लॉयज को भी एडिशनल एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, An employee who does not participate in the recognized provident fund, वो employee जो recognized provident fund में participate नहीं करते उन्हें बेटा additional employee consider नहीं किया जाएगा। D point, An employee employed for a period of less than 240 days during the previous year, वो employee जिसे employed किया गया है less than 240 days previous year में, तो वो बेटा additional employee नहीं होगा। लेकिन In case of an assessee engaged in the business of manufacturing of apparel or footwear or leather products, in case assessee का जो business है बेटा वो क्या है, manufacturing of apparel, कपड़ों का manufacturing करता है, या footwear करता है manufacturing, या leather products का manufacturing करता है, तो उस केस में ये जो 240 days का period है वो कितना हो जाएगा बेटा, 150 days consider किया जाएगा। यानी उस केस में हम देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय 150 डेज से कम एम्प्लॉयड है तो एडिशनल एम्प्लॉय हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 240 डेज और 150 डेज एज द केस में भी,
बट इज एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ 240 डेज और 150 डेज एज द केस में बी इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर ही शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन एम्प्लॉयड इन द सक्सीडिंग ईयर। देखिए क्या बात करता है सेक्शन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए बेटा एक असेसी हैं, ठीक है, और इनका जो बिजनेस है वो है मैनुफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर्स, ये फुटवेयर को मैनुफैक्चर करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस केस में हम एडिशनल एम्प्लॉय कब कंसिडर किया करते थे एम्प्लॉय को, अगर वो प्रीवियस ईयर में 150 डेज या उससे ज़्यादा बेटा एम्प्लॉयड हो, ठीक है। मिस्टर बी एक एम्प्लॉय हैं इनके, उन्हें ये एम्प्लॉयड करते हैं प्रीवियस ईयर 2019-20 में, और जो एम्प्लॉय किया गया है मिस्टर बी को वो प्रीवियस ईयर में उसका टोटल आ रहा है बेटा 120 डेज। तो इस केस में लॉ क्या बात करता है कि मिस्टर बी को एडिशनल एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किया जाएगा। नोट में जो बात की गई है वो ये की गई है, इन केस प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय जो है 150 डेज से कम एम्प्लॉयड होता है, लेकिन जो सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर है यानी इसका जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आएगा, प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा 2020-21, ठीक है, उसमें जो एम्प्लॉय है बेटा वो एक्सीड कर जाता है 150 डेज को, तब उस प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय को कंसिडर कर लिया जाएगा एडिशनल एम्प्लॉय, ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं कि इमोलमेंट्स क्या होते हैं। इमोलमेंट्स, एनी सम पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय इन लियो ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिलता है एम्प्लॉयमेंट में वो क्या होता है, इमोलमेंट्स कहलाता है। लेकिन इस सेक्शन की कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। क्या बात करती है एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन नंबर वन, एनी कंट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर किसी पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में या अदर फंड में फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, तो बेटा ये एमोल्यूमेंट्स में कवर नहीं होगा, इसे एमोल्यूमेंट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट, एनी लमसम पेमेंट पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस और सुपर एनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट सच एज ग्रेचुटी सेवरेंस पे लीव एनकेशमेंट वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड द लाइक। अगर कोई भी लमसम पेमेंट की जा रही है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन के टाइम या VRS के टाइम, तो उस समय जो भी ये रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है वो भी एमोल्यूमेंट्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटा। दो पॉइंट्स कवर हो गए, कौन कौन से एम्प्लॉय जो है एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएंगे और उन एडिशनल एम्प्लॉय को जो एमोल्यूमेंट्स दी जाती हैं वो क्या माना जाएगा और उसमें से क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, दो पॉइंट्स कंसिडर हो गए बेटा। चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसकी डिडक्शन मिल जाया करती है अंडर सेक्शन 80JJA में, ठीक है। आइए, टोटल इमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू द एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है कि जितने भी इमोल्यूमेंट्स पे किए गए एडिशनल एम्प्लॉयज को वो क्या कहलाए जाएंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो क्या हो जाएंगे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट माने जाएंगे, समझ आ गया बेटा। इन द केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में The additional employee cost shall be nil if there is no increase in the number of employees from the total number of employees employed as on the last day of the preceding year. Additional employee cost जो है बेटा वो nil consider की जाएगी। अगर number of employees जो है बेटा वो increase नहीं होते, यानी जितने employees last year में थे उतने ही employees उस previous year में जिसके regarding deduction ली जा रही है, तो बेटा additional employee cost उस case में nil होगी। Next, emoluments are paid otherwise than by an account pay check or account pay bank draft or by use of electronic clearing system or through any other prescribed electronic mode. अगर cash में emoluments की payment हो जाती है तो बेटा जितने भी वो payment की गई है वो additional employee cost का part नहीं बनेगी। ये बात थी existing business की। अब new business की बात करते हैं। In the first year of a new business, जो new business है उसके first year में, the emoluments paid or payable to employees employed during the previous year shall be deemed to be the additional employee cost. अगर new business है SSC का और उसका first year है तो उस case में जितने भी emoluments paid की जा रही है employee को जो employed थे during the previous year उन्हें बेटा मान लिया जाएगा additional employee cost, ठीक है, समझ आ गया।
क्या बात करती है बेटा डिडक्शन, इनकेस एक असेसी है जिसकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बेटा उसे मैंडेटरी ऑडिट कराना है, तो लॉ बात करता है उस असेसी को डिडक्शन मिल जाएगी 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की जो उसने इनकर की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये जो डिडक्शन मिलेगी ये मिलेगी 3 असेसमेंट ईयर्स के लिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर दो कंडीशन और बताई गई है असेसी के बिजनेस के रिगार्डिंग, समझिए। द बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। असेसी का जो बिजनेस है वो स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट, द बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय द असेसी बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। असेसी ने कोई बिजनेस एक्वायर ना किया हो बेटा बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन। जैसे बात करें बेटा स्लम सेल की, असेसी ने एक्वायर कर लिया, अब उस बिजनेस में वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की डिडक्शन क्लेम करता है तो डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी। और एज ए रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन या कोई अमलगमेशन हो गया है, मर्जर हो गया है या डी मर्जर हो गया है, तो उन केसेस पे भी बेटा ये नहीं अप्लाई होगा। द रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट गिविंग द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स हैज टू बी फर्निश्ड अलोंग विद रिटर्न ऑफ इनकम। अब एक कंडीशन बात करती है कि असेसी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रिपोर्ट है बेटा जब वो रिटर्न फाइल करेगा इनकम की उसके साथ फाइल करनी होगी, ठीक है, समझ आ गया। अब एक एग्जांपल कर लेते बेटा फटाफट से, क्या बात करता है सेक्शन समझिए। मिस्टर ए हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन 1 अप्रैल 2019। ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, द डिटेल्स ऑफ हुम आर एज फॉलोज। मिस्टर ए ने बेटा एक बिजनेस स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स का, 1/4/2019 को उसने बिजनेस कमेंस किया है, न्यू बिजनेस है। ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, द डिटेल्स ऑफ हुम आर एज फॉलोज। उसने बेटा 350 नए एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय किए हैं, अब डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75, 1/4/19 को। रेगुलर है या कैजुअल? रेगुलर है बेटा। टोटल मंथली एमोलमेंट्स पर एम्प्लॉय वो है 24,000 पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, 125 एम्प्लॉयज, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 मई। रेगुलर या कैजुअल? रेगुलर है। टोटल एमोलमेंट्स 26,000 पर मंथ। नेक्स्ट बेटा 50 एम्प्लॉयज हैं, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 अगस्त 2019। रेगुलर या कैजुअल? कैजुअल हैं। टोटल मंथली एमोलमेंट्स 25,500। द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट। जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं बेटा वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करते हैं और जो कैजुअल है वो नहीं करते। कंप्यूट द डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 if the profits and gains derived from the manufacture of computers that year is rupees 75 lakh and his total turnover is rupees 2.16 crore. To beta deduction compute kariye agar koi available hai Mr. A ko assessment year 2021 mein, agar jo profits derive ho rahe manufacturing of computer business se wo beta 75 lakh hai aur total turnover jo hai assessi ka wo hai beta 2.16 crore. What would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear on 1 April 2019? Question ka beta second part, hamara answer kya hoga agar Mr. A ne business manufacturing of footwear commence kiya hai 1/4/19 ko? Chaliye, sabse pehle dhyan dijiye beta, condition jo thi 80JJAA ki fulfill ho rahi hai kya? Assessee ke PGBP income aa rahi hai? Answer is yes, PGBP income derive kar raha hai, ek condition fulfill ho gayi. Second condition, 44AB अप्लाई हो रहा है क्या असेसी पर? टर्नओवर देखिए बेटा कितना है, 2.16 करोड़ है। आंसर इज यस, 44AB अप्लाई हो रहा है। असेसी का टर्नओवर जो है बेटा वो 1 करोड़ को एक्सीड करता है, ठीक है। दो कंडीशन फुलफिल हो गई, बाकी बिजनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है कि असेसी ने न्यू बिजनेस जो है बेटा कमेंस किया है, ठीक है। तो दो कंडीशन जो हमारी हुआ करती थी कि बिजनेस जो है बेटा स्प्लिटिंग अप से या रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए या बिजनेस एक्वायर्ड नहीं करना चाहिए असेसी को किसी दूसरे पर्सन से, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो एडिशनल एम्प्लॉय हैं या नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं टोटल? टोटल है बेटा 350 एम्प्लॉयज़, जिसमें से जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 75 एम्प्लॉयज़ एक, 125 एम्प्लॉयज़ एक और 100 एम्प्लॉयज़, टोटल कितने हो गए ये 300 एम्प्लॉयज़ जो है रेगुलर नेचर के हैं, ये 300 के 300 पार्टिसिपेट करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। अब ये भी देखना है कि इनका एम्यूलमेंट्स पर मंथ 25,000 से अगर ज़्यादा है तो बेटा ये बाहर हो जाएंगे, एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किए जाएंगे।
125 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेटा 26,000 पर मंथ रिसीव कर रहे हैं, यानी 125 एम्प्लॉयज़ हो गए बाहर 300 में से, बचे कितने 175 एम्प्लॉयज़। ठीक है, लेकिन साथ ही दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी होती थी कि पीरियड जो है उन एम्प्लॉयज़ का वो कितना होना चाहिए, 240 डेज होना चाहिए अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल फुटवेयर या रेदर प्रोडक्ट्स नहीं है उस केस में। तो 100 एम्प्लॉयज़ जो है बेटा 1 सितंबर 2019 को एम्प्लॉयड किए गए हैं, तो 100 एम्प्लॉयज़ जो है बेटा इनका पीरियड जो है 240 डेज से कम है, तो बेटा ये भी बाहर हो जाएंगे। बचे कितने 75 सिर्फ एम्प्लॉयज़ बचे जो एडिशनल एम्प्लॉय माने जाएंगे। अब देखते हैं बेटा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, 75 एम्प्लॉयज़ को 24,000 पर मंथ मिल रहा है, इसके अलावा कुछ दिया जा रहा है क्या? आंसर इज नो। तो 75 एम्प्लॉयज़ इंटू 24,000 इंटू 12, ये आ गई बेटा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% जो है बेटा वो डिडक्शन मिल जाया करती है। तो फर्स्ट ईयर में कितनी डिडक्शन मिलेगी? ये मिलेगी 64,80,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर। अगर मिस्टर ए ने कमेंस किया है बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर का, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में वहां पर हम जो पीरियड देखा करते थे एम्प्लॉयज का, वो कितना देखा करते थे बेटा? 150 डेज हम देखा करते थे। तो जो 100 एम्प्लॉयज हमने बेटा 300 एम्प्लॉय में से बाहर कर दिए थे, अब उन्हें कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अब कितने हो जाएंगे? 175 हो जाएंगे। अब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की कैलकुलेशन करिए, 100 एम्प्लॉयज इंटू 24,000 पर मंथ इंटू 12, ये 100 एम्प्लॉयज़ की एडिशनल कॉस्ट आ गई। दूसरी तरफ 75 एम्प्लॉयज़ हैं, मल्टीप्लाई हमने उनका ऑलरेडी कर रखा है, उसे ऐड कर दीजिए उसमें, ये टोटल कितना आएगा बेटा? ये आएगा 3,85,00,000, 3,84,00,000, उसका 30% कर दीजिए, वो आएगा बेटा 1,15,20,000। तो इस केस में जो डिडक्शन मिलेगी एसएससी को वो कितनी मिल जाएगी? 1,15,20,000 की डिडक्शन यहाँ पर एसएससी को मिल जाएगी। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 80QQB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक। अब बेटा डिडक्शन दी जा रही है रॉयल्टी इनकम के अगेंस्ट, लेकिन ध्यान दे, डिडक्शन जो प्रोवाइड की जा रही है उन ऑथर्स को प्रोवाइड की जा रही है जो ऑथर हैं बेटा अदर देन टेक्स्ट बुक्स के, यानी असेसी ने कोई बुक लिखी है जैसे लिटरेरी या आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की, उसके रिगार्डिंग उसने कोई कॉपीराइट करा रखा है, तो कॉपीराइट कराने के बाद वो पब्लिश कराता है अपनी बुक को, और बुक पर असेसी को जो मिलती है रॉयल्टी, उसकी यहाँ पर डिडक्शन की बात की गई है। ठीक है बेटा, टेक्स्ट बुक कौन सी होती है? जो बेटा स्कूल्स में होती है, जैसे गाइड्स हो गई या न्यूज़पेपर हो गई या जर्नल या पैम्फलेट्स, ये सब क्या है बेटा? टेक्स्ट बुक होती हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डिडक्शन इस सेक्शन में प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ठीक है, अब सेक्शन बात करता है बेटा दो तरीके से रॉयल्टी इनकम जो है असेसी को मिला करती है। एक मिलती है बेटा लमसम पेमेंट, और दूसरी जो मिलती है जो सेल की जा रही है बुक्स की, उस पर सर्टेन परसेंटेज जो है असेसी को प्रोवाइड करा दी जाती है। तो लमसम पेमेंट जो असेसी रिसीव करता है उसके रिगार्डिंग सेक्शन ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन इन केस अगर असेसी को बेटा बुक की सेल वैल्यू में कुछ कंसिडरेशन मिलती है, यहाँ पर सेक्शन रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सेक्शन यहाँ पर 15% की जो है रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी जितनी भी बुक सोल्ड हुई है प्रीवियस ईयर में, उन बुक्स की सेल वैल्यू का 15% जो है इनकम ही माना जाएगा असेसी की। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करें, डिडक्शन जो मिला करती है सेक्शन में बेटा वो मिलती है मैक्सिमम 3,00,000 रुपीज़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा हमारा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एलिजिबल असेसी की। एलिजिबल असेसी जो इसमें होगा वो होगा बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए ट्रू या फर्स्ट इन्वेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट पेटेंट। ठीक है बेटा, दूसरी बात एलिजिबल इनकम, कौन सी ऐसी इनकम है जिसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिल जाएगी 80RRB में। तो सेक्शन बात करता है कि जो पेटेंट्स पर रॉयल्टी इनकम रिसीव करता है असेसी, वो एलिजिबल इनकम हो जाएगी सेक्शन के लिए। साथ ही ये जो पेटेंट्स हैं बेटा, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003, तभी ये जो इनकम है इस सेक्शन के लिए एलिजिबल होगी।
बात करते हैं मैक्सिमम डिडक्शन की, तो सेक्शन प्रोवाइड कराता है मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख की। 3 लाख की जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो एसएससी को मिलेगी। अगर उसे रॉयल्टी 3 लाख से कम मिल रही है तो बेटा 3 लाख और रॉयल्टी विच एवर इज लेस। यहाँ पर बेटा हमारी सेकेंड कैटेगरी फिनिश होती है। अब आते हैं हम थर्ड टाइप की कैटेगरी में, जो बात करते थे अदर डिडक्शंस के बारे में। तो जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है बेटा सेक्शन 80TA। ये जो सेक्शन है बेटा ये डिडक्शन प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल एसएससी की, कौन कौन से एसएससी हैं जिन्हें 80TA की डिडक्शन मिलती है। तो ध्यान देना बेटा, इंडिविजुअल और HUF उन्हें ये डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन इस सेक्शन में से रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को बाहर कर दिया गया है, उनके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। तो इस केस में जो डिडक्शन मिली वो किसको मिली, इंडिविजुअल और HUF अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजंस। ठीक है बेटा, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है, तो सेक्शन बात करता है मैक्सिमम डिडक्शन एसएससी को बेटा 10,000 की मिल जाती है। ठीक है, अब नेचर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं बेटा। तो जो इंटरेस्ट होता है हमारा सेविंग बैंक अकाउंट का, सेविंग बैंक अकाउंट यानी एसएससी ने किसी बैंक में खुलवाया है या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी पोस्ट ऑफिस में उसने अकाउंट खुलवा रखा है सेविंग नेचर का, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट की। लेकिन ध्यान देना बेटा, वो जो अकाउंट है वो टाइम डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। ये सेक्शन बात करता है कि जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है उन्होंने कोई डिपॉजिट कराया, उसके रिगार्डिंग उन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उसकी उन्हें डिडक्शन मिल जाएगी। ये डिपॉजिट उन्होंने कहाँ पे कराया है, किसी बैंकिंग कंपनी में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या बेटा पोस्ट ऑफिस में, तो डिडक्शन उन्हें मिल जाया करती है 50,000 की। ध्यान देना बेटा, प्रीवियस सेक्शन में जो डिडक्शन मिलती थी वो 10,000 की, यहाँ पर जो डिडक्शन मिल रही है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को वो मिल रही है बेटा 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं बेटा, सेक्शन 80U, डिडक्शन इन द केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। अर्लियर जो हमने बेटा सेक्शन पढ़ा था 80DD, वहां पर हमने पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल है उसका कोई डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन है और इंडिविजुअल उसके मेडिकल या मेंटेनेंस पर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, तो इंडिविजुअल को वहां पर डिडक्शन मिला करती थी। 80U जो डिडक्शन प्रोवाइड कराता है ये उन पर्सन को प्रोवाइड कराता है जिन्हें डिसेबिलिटी है, यानी यहाँ पर जो एलिजिबल असेसी होंगे वो कौन होंगे, वो पर्सन जो डिजेबल है। ठीक है, सेक्शन 80U हार्मोनाइज द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग डिजेबिलिटी एज एग्जिस्टिंग अंडर द इनकम टैक्स रूल विद क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड अंडर द पर्सन विद डिजेबिलिटी। पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 1995 में जो डिजेबिलिटी मेंशन की गई है बेटा, उन्हीं डिजेबिलिटी के रिगार्डिंग सेक्शन 80U डिडक्शन प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट पॉइंट ये बात करता है। नेक्स्ट, एलिजिबल असेसी सेक्शन जो एप्लीकेबल होता है बेटा वो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होता है जिसे एक सर्टिफाइड दिया है मेडिकल अथॉरिटी ने कि वो डिजेबल है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन जो मिला करती है बेटा इस केस में वो मिलती है 75,000 की, और अगर सीवियर डिजेबिलिटी है तो 1,25,000 की मिल जाया करती है। जैसे कि हमने 80DD में पढ़ा, सेम प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल है, बस फर्क इतना है वहाँ पे इंडिविजुअल डिडक्शन ले रहा है और यहाँ पे जो पर्सन खुद डिजेबल्ड है वो डिडक्शन ले रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा डिडक्शन चैप्टर खत्म होता है। अब इस डिडक्शन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फटाफट से कर लीजिए, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, टाइम बहुत कम है, इसलिए कुछ भी स्किप मत करिएगा, पढ़ाई को जो है बेटा अच्छे से करिए। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिविजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।